राजधानी के मानसोवर थाना इलाके में रजत पथ स्थित यमाहा शोरूम सर्विस सेंटर में अचानक से ही आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर मानसरोवर थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलों ने आग पर काबू पाया। वहीं आग से पूरा सर्विस सेंटर भी जलकर खाक हो गया और यही नहीं, आग से सर्विस सेंटर में रखी करीब आधा दर्जन गाड़ियां भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। और यही नहीं, सर्विस सेंटर में कई कंप्रेशर भी रखे हुए थे और जिनके आग वहां नहीं पहुंचने से बड़ी जनहानि टल गई है। सर्विस सेंटर अग्रवाल फार्म निवासी जितेंद्र जैन का है और फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं लगा पाई है पुलिस और इसीलिए पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये बिल्डिंग है तो मैं सुबह, जिम है मेरा ऊपर, तो मैं सुबह 5:30 बजे यहाँ पे आया तो मैंने देखा इसमें धुआं उठ रही है, तो मैंने थोड़ी देर वेट किया, मैं देखा ऐसी लगी होगी आग। उसमें बाद में ज़्यादा देर धमाका हुआ, शीशे फूटने की आवाज़ आई, तो मैंने 100 नंबर पे कॉल किया और फायर ब्रिगेड को बुलाया, तो उसके बाद में आग तेज़ हो गई, तो इसमें 1.5 घंटा या 2 घंटे लग गए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।